हमारा फेवरेट कॉर्नर है जहाँ पे हवा नहीं आती, तो जब भी हमें ठंड लगती है हम लोग यहाँ बैठते हैं। ऊपर जाके वहाँ रूम्स है नहीं, बस हम ऊपर ऐसे चले जाते हैं दिखाने के लिए कि वहाँ हमारे रूम्स है, बट वहाँ रूम्स नहीं है। अभी मैं आपको एक मैजिक रूम दिखाती हूँ जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं शिखा के घर में या शोकी के घर में या बहुत सारी चीजों में, तो आप देखो। वेलकम टू जूनी सेट, और अभी मैं आपको पूरे सेट का टूर कराने वाली हूँ। सो ये है बग्गा हाउस, और ये है बग्गा हाउस का एक्सटीरियर गार्डन जहाँ पे हम सारे मोस्टली जो आउटडोर फंक्शंस होते हैं वो सब यहाँ शूट करते हैं, और बहुत बार हमने यहाँ पे कैफे वैफे भी बनाया है। अगर आप कभी देखेंगे पुराने एपिसोड्स तो आपको शायद पता चल जाएगा। एंड देन यहाँ पे वही सब मतलब बेसिक यू नो स्पेस है सबके बैठने के लिए, लंच के लिए एंड नाश्ता करने के लिए। एज यू एंटर ये हमारा छोटा सा मंदिर है। ये एक बहुत ही क्यूट स्पेस है जहाँ पे हमने वो 100 एपिसोड्स जब हुए थे उसका बैनर बनाया था, और जो भी क्यूट क्यूट मोमेंट्स है वो सब लगवाए हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट स्पेस। ये वो सारे मोमेंट्स हैं हमारे अभी तक के, ये आई थिंक 200 एपिसोड पे बना था और ये 100 एपिसोड का बोर्ड है। सो दिस इज कैंटीन, दिस इज प्रोडक्शन हाउस, और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन से सबके रूम्स होते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन ऑफिस है। ये है पंगत सर का रूम, ये है राजवीर का रूम, एंड ये है हमारा सेट, यहाँ से एंट्री है। ये है हमारे डायरेक्टर गौरव सर। हेलो हेलो। तो ये एंट्रेंस है बग्गा हाउस का, और ये है हमारा स्विंग एरिया जिसे हम स्विंग एरिया कहते हैं, जो आंगन होता है जहाँ पे बहुत सारे हमारे सीन्स जैसे शूट हुए हैं, और ये झूले पे बैठते हैं बग्गा सर अगर आपको याद होगा ये झूला तो, और ऊपर ऐसी छोटी सी टेरेस है जहाँ पे हम आजूनी और राजवीर के भी सारे काफ़ी सारे क्यूट सीन्स शूट हुए हैं। हमारा एक मेरा और राजवीर का जो पहला सीन था, जब पहली बार राजवीर को अजूनी ने स्माइल करके देखा था, वो यही हुआ था एक्चुअली। जब उसे लगता है कि नहीं ये अच्छा इंसान है और ये यू नो मेरे बिना मर्जी के मुझे हाथ नहीं लगाएगा, तो उस रात के दूसरे दिन का सुबह जो सीन था वो यहीं टेरेस पे। वन ऑफ द क्यूट सीन एंड वन ऑफ माई फेवरेट। एज यू एंटर ये है बग्गा हॉल, ये है बग्गा हॉल जहाँ पे नेक्स्ट सीन की प्रिपरेशन चल रही है, तो आप देख लीजिए। ये वो डाइनिंग एरिया है, ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हम बैठ के लंच डिनर जो आपको दिखाते हैं हम करते हैं, वो यही करते हैं हम। एंड देन ऊपर जाके वहाँ रूम्स है नहीं, बस हम ऊपर ऐसे चले जाते हैं दिखाने के लिए कि वहाँ हमारे रूम्स है, बट वहाँ रूम्स नहीं है। रूम्स असल में अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये किचन है, पहले आप ये देखें। हाँ सर, यहाँ पे काम चल रहा है, वो अभी जा नहीं पाएंगे, सेटअप चल रहा है। हमारा फेवरेट कॉर्नर है जहाँ पे हवा नहीं आती, तो जब भी हमें ठंड लगती है हम लोग यहाँ बैठते हैं क्योंकि वहाँ हवा नहीं आती है। ये एनाकोंडा हमारे गर्मी का साथी, इसके बिना गुजारा मुश्किल है। और रुक जाओ भी, ये रूम्स है, ये एक रूम है वहाँ पे बग्गा सर का रूम है। अभी मैं आपको एक मैजिक रूम दिखाती हूँ जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं शिखा के घर में या शोकी के घर में या बहुत सारी चीज़ों में, तो आप देखो। सो दिस इज़ आर मैजिक रूम
जो कुछ भी बन जाता है जरूरत के हिसाब से, जो भी हमें सीन शूट करना हो, ये उस सीन के लिए, उस लोकेशन के लिए इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी शिखा का हाउस चल रहा है, तो इसलिए इसको शिखा के हाउस में ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या नहीं बना है, यहाँ पे रिजॉर्ट का रूम बना है जहाँ राजवीर अजूनी गए थे, यहाँ पे शोकी का घर बना है, यहाँ पे चमको का रूम बना है, यहाँ पे शिखा का घर बना है। तो यहाँ पे मोस्टली सब कुछ बन चुका है। एक बार बाथरूम वाला सीन था जहाँ अजूनी यू नो पर्दे धो रही होती है, उसका हाथ कट जाता है, तो यहाँ पे वही बाथरूम बना था जो अभी बंद है आई थिंक। तो यहाँ पे मोस्टली सब बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आश्रम बन चुका है। तो दिस इसलिए हम इसको हमारा मैजिक रूम बोलते हैं कि वहाँ पे यू नो ट्रांसफॉर्म करके कुछ भी बना देंगे। नहीं नहीं, मैं एक्साइटेड तो होती हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू वर्क। तो हाँ, मज़ा आता है, और जब नए नए सीन्स होते हैं स्पेशली ऐसे जिसमें थोड़े चैलेंजेस हो, तो वो वाले सीन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे फैमिली के सीन्स करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज सब लोग होते हैं ना तो बहुत फ़न होता है सेट पर, हम बहुत मस्ती करते हैं। अगर दो तीन लोग हो तो सब अपना अपना बिजी होते हैं फ़ोन में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, जब सब लोग शूट कर रहे हैं साथ में तो बहुत मज़ा आता है। ये जो मैंने बताया था ना, एक जहाँ एसी की हवा नहीं आती, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मुझे ठंड लग रही होती है और वो एनाकोंडा की हवा हर जगह से आ रही होती है, तो मैं मोस्टली वहीं जाके बैठती हूँ। बस गर्मियों में मैं वहाँ नहीं बैठती क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, बट गर्मी भी हो तो यू कैन जस्ट टर्न द एनाकोंडा एंड यू कैन सेट, इट्स अ कूल स्पेस, वहाँ से सब दिखता है इसलिए। अभी तो बहुत कुछ ड्रामा आने वाला है, ऑफकोर्स गुरु जी का जो भी था, अजूनी राजवीर को पता चल गया है, और अभी वो अरविंदर वीर जी जो भी हमारे साथ गेम खेल रहे थे, अब हम उनके साथ खेलेंगे, तो उसमें चैलेंज भी है अजूनी राजवीर के लिए, रिस्क भी है, और आई थिंक आपको मज़ा भी आएगा देखने में, तो आप बस देखते रहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को हमने दिखाया, और आई होप कि अभी आप जब भी कोई एपिसोड देखोगे तो उसमें आप ये रिलेट करोगे, अच्छा ये तो वो जगह है जो अजूनी ने बताई थी, तो आई होप आप ऐसा कर सको, तो बस देखते रहिए अजूनी। थैंक यू।